सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ महला पहला लभ पाप दोए राजा महता कूड़ होआ सिकदार काम नेव सब पुछिया बह बह करे विचार लब पाप दोए राजा महता कूड़ होआ सिकदार काम नेव सद पुछिया बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान भी होनी भाए परे मुरदार ज्ञानी नचै वाजे वावे रूप करे शिंगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार धर्मी धर्म करें गावा बह मंगे मोख द्वार जति सदावन जुगत न जाने छट बहें करबार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जपे सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जपे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग जुग जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्ब सांझी वालता दे रहिबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित होई बैठे गुरु सवारे सतसंग जनों विड़भागे हो अमृतमयी बाणी दा रस बिना कीर्तन गुरु के कीर्तनीय भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब उन्हां पासों बड़े ही प्यार अदब सहित रस बिना गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ी वार आसा की वार की विचार नाल सांझ पाईए। पावन गतना की विचार नाल सांझ पाउण तों पहला आप सब माई भाई मना नूं गुरु चरणां विच एकाग्रित करो सुरतियां नूं गुरु शब्द नाल जोड़ो बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिन तो उचारण ग्यारहवीं पौड़ी की विचार चल रही है जिदे विचों छंत ते पहले श्लोक की विचार आप कल सरवण कर चुके हो। सतगुरु पातशाह जी ने कल एक विषय की लड़ी नूं अगां तोरदिआं होइआं इह जिक्र कीता कि इस जगत दे विच सत दा काल पै चुके है किते लभदा नहीं ते कूड़ दा पसारा है ते जदों सत दे काल दी ते कूड़ दे पसारे दी गल करदिआं करदिआं अगला श्लोक आया कहन लगे किवें दा राज है इस कूड़ दा। सतगुरु जी दे बचन लभ पाप दे राजा महता कूड़ होआ सिकदार काम ने सद पुछिए बह बह करे विचार। इस कूड़ दे राज विच लभ जेड़ा ना लोभ ओ राज है
ते नाल इहदी महता है पाप। महता मैंने उहदा वजीर जां चौधरी, ओह उहदा वजीर है। हुण लोभ जिहड़ा है इह राजा किवें है? मनुखी जिंदगी विच जिन्ने भी पाप विकार आरंभ हुंदे ने ओह लोभ तों शुरू हुंदे ने। लोभ तों शुरुआत है। यही कारण जिस चीज के प्रति मन में लोभ पैदा हो जाए, भावें वह धन होवे, भावें वह इज्जत होवे, भावें जमीन जायदाद होवे, भावें शौहरत होवे, भावें कुर्सी पदवी होवे, भावें धी पुत्र होण, कोई भी चीज होवे, जिस चीज के प्रति मन में लोभ पैदा हो जाए तो लोभ तो फिर कूड़ की जिंदगी आरंभ हो जाती है। कूड़ का राज शुरू हो जाता है। ते लोभ ते केवल एक फुरना है, राजा है, हां इहदा एक वजीर है, सलाहकार है, जिहड़ा उस फुरने नूं रूप दे दिंदा है पाप दा। लब पाप दोए राजा महता। लोभ राजा है कूड़ दी दुनिया दा, ते पाप जिहड़ा उहदा वजीर है। लब पाप दोए राजा महता, कूड़ हुआ सिकदार, कल के झूठ जिहड़ा ना उह सरदार बन जांदा है, चौधरी हो जांदा है। जिथे राजा भी है, वजीर भी है, चौधरी भी है, हुण इह तिन्ने रल के की करदे ने? जदों भी कोई विकार करना होवे उदों आपस विच सलाह कर लैंदे ने। बल्कि वड्डे पाप गुना अपराध की खातर ये अपने विशेष सलाहकार काम नूं भी बुला लैंदे ने। काम नेब सद पुछी है, नेब मने नायब, विशेष सलाहकार जिहड़ा हुंदा है। बह दै करें विचार, कहने लगे रल के विचार करते ने जगत नूं किवें लुटना है, रल के विचार करते ने मनुखता ते जुल्म किवें करना है, गरीब का हक किवें खोना है, किसी का नुकसान किवें करना है। जदों आ चार जने इकट्ठे हो जाते ने, कूड़ का राज आरंभ हो जाता है। और कमाल की गल, धर्म की दुनिया नालों कूड़ के राज दे विच एक गुण है, वह गुण यह है कि जदों विकारां ने किसी नूं लुटना होवे, जीव ने घट्टो घट विकार इकट्ठी होकर बह जाते हैं, सलाह कर लेंगे ने। यहो जी एकता धर्म की दुनिया के विच आ जाए तो जगत के सत का पसार हो जाए। कूड़ के राज दे विच इन्हां विच एक गुण है, जदों भी किसी नूं लुटना होवे, गरीब का हक मारना होवे, यह सारे इकट्ठे मिल बहिंदे ने, विचार कर लेंगे ने, जिन्ने विकार ने इकट्ठे हो जाते हैं, इन्हां च एकता बड़ी है। लब पाप दोए राजा महता, कूड़ हुआ सिकदार, काम नेब सद पुछी है। बह बह करें विचार, जो किसी नूं मारना होवे, किसी दा नुकसान करना होवे, उदों विशेष तौर ते काम सलाहकार नूं बुला के पुछया जांदा है, तू भी अपनी सलाह दे किवें अगले नूं लुटीए। बह के विचार करदे ने उह। धर्म दी दुनिया च इह विचार नहीं है, बल्कि जिथे पंज सिख भी इकट्ठे हो जाण ते धर्म दी विचार करन लग जाण, उन्हां दी विचार संवाद नहीं रहिंदा, विवाद हो जांदा है। क्योंकि पंजां दी विचारधारा एक दूजे नाल मेल नहीं खांदी, ते जिथे पंजां दी विचारधारा विच एकता ना होवे, उत्थे पूरे पंथ दी विचारधारा एक किस दिन होएगी? पंजां दा आपस विच झगड़ा शुरू हो जांदा है। दरअसल सानूं संवाद नहीं करना आउंदा, सानूं विवाद करना आउंदा है। इह नहीं कि विचार ना होवे, साडी विचार संवाद होवे। सिख धर्म दे विच सानूं विचारां दे नियमां दा पता नहीं है। असीं जदों विचार करदे हां, दो गुरसिख इकट्ठे बैठ के सिर्फ अपनी सुणांदे हां और दूसरे दी सुणन नूं तैयार नहीं हुंदे। दूसरी गल, जदों दो गुरसिख इकट्ठे बैठ जाण, बल्कि गुरसिख ते उही हुंदे ने जिहड़े गुरू दी मत लैण वाले हुंदे ने, असीं सधारण लोक कह लो, जदों असीं बह जाईए ना, असीं दूसरे दे उप्पर विचार थोपदे हां, जो मैं कहना बस आही आखिरी सच है, होर कुछ नहीं। दूसरा भी अब साढ़े ते विचार थोपद, जो मैं कह रहा वह बिल्कुल आखिरी सच है। जो विचार थोपे जाते हैं उदो संवाद विवाद विच बदल जाता है। और विचार का एक नियम है, वह नियम यह है कि सिर्फ विचार रखे जाना, कि मेरे आ विचार ने, मैं इन्ना कु गुरबाणी में समझे है, मेरे आ विचार ने, हाँ तेरे विचारां दा भी स्वागत है, तू विचार रखेगा, मैं वह भी ध्यान नाल सुनांगा, इहदे विचों आपां फिर नतीजा कढ़ांगे गुरबाणी की किसवटी ते किहड़ा विचार टुकदा किहड़ा नहीं टुकदा। वह धन ने सिद्ध सुमेर पर्बत वाले
जिहड़े विरोधी भाव रखदे ने, विरोधी मत वाले ने, उन्हां दे विचार विरोधी ने, पर उन्हां गुरु नानक साहिब पातशाह दे नाल संवाद कीता। उन्होंने गुरु नानक साहिब पातशाह नाल विचार कीती, बल्कि जिन्हों गुरु नानक साहब ने सिद्ध गोष्ठ बाणी चंकित कर दिता, सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रहरास हमारी साचा अपर अपारो। कहन लगे गुरमुख जना विच बैठ के मैं रब दी विचार करन लग्या, जे रब दी विचार है फिर मैं विचार रखांगा, थोपांगा नहीं। संवाद का एक नियम है, जिथे विचार रखे जान ना कि थोपे जान, नाल एक कह दिता जाए कि हो सकता है मैं 100% गलत होवा, इन्हों आप गुरबाणी की कसवटी भी परख लांगे। धर्म की दुनिया में एकता नहीं, हां पाप की दुनिया च बहुत एकता है, कूड़ की दुनिया में इन्नी एकता है कि बह के विचार करते ने दूजे नूं किवें लुटना है। काम नेव सद पुछी है, बह बह करें विचार पुछया, जो ये राजे ते वजीर चौधरी मिलकर दुनिया नूं लुटदे ने कि दुनिया आवाज नहीं उठाउंदी, कि प्रजा जिहड़ी है ये जुलम दे खिलाफ मूंह नहीं खोलदी। कहन लगे किवें मूंह खोले, प्रजा अज्ञानता विच अन्नी हो चुकी है, अंधी रईत ज्ञान भी होनी, भाहे भरे मुरदार, भावे ने अग अग मैंने तृष्णा की अग, कह लगे तृष्णा की भरे मुरदार मैंने चट्टी भर दी फिर दी है, जिथों प्रजा नूं लग जाए पता भी इधरों सुख मिल सकता है, इधरों धन मिल सकता है, उसकी चट्टी भरना शुरू कर दिंदी है। अज्ञानता विच अन्नी है, उन्हों ये नहीं पता साडे लई सुखदाई किहड़ा है। यही कारण जिहड़ा गणतंत्र है ना, लोकतंत्र, ये इन्ना खतरनाक सिद्ध होया है, जिहदे विच 9 सियाणे हार जांदे ने, 10 मूर्ख जित जांदे ने। लोकतंत्र विच, गणतंत्र विच, क्यों? क्योंकि उत्थे गुणतंत्र नहीं है, गण है, उत्थे गिणती है, गुणा की गल नहीं है। यही कारण जिथे 4 वोटां नूं पता लग जाए भी इनू वोट पाया मैनू कुर्सी मिल जाएगी, इनू वोट पाया मैनू कोई पदवी मिल जाएगी, मैं इनू वोट पावांगा, होर नहीं तो 100-200 रुपए ही दे जाएगा, होर नहीं तो हो सकता शराब से भुक्की मिल जाए। हुण ते धर्म दी इलैक्शन दे विच वी कुछ ही हुंदा है, जिथे अज्ञानता विच जनता अन्नी हो चुकी है, सिर्फ तृष्णा की खातर दूजे नूं राजा घोषित कर दिंदी, स्थापित कर दिंदी है, जिथे गुणा की गल नहीं है। यही कारण सिखी विच जे वोट सिस्टम हुंदा ना गुरु साहिबान वेले, ते पृथ्वी चंद कदों दा गुरु बन जांदा, क्योंकि जिन्ने मसंदां दी टीम उहदे कोल है ना, किसी कोल भी नहीं। धीरमल कदों दा गुरु हो जांदा, जिन्ने मसंद ते जिन्ने लोक उहदे नाल जुड़े ने, किसी नाल नहीं। पर नहीं, गुरु ने गिणती नहीं देखी, गुण देखे, ते गुणा वाले नूं परख के गुरु नानक पातशाह दे सिंघासन ते सुशोभित कीता, क्योंकि सिक्खी विच गुणतंत्र है। अज साडे गुरुधामां दी, गुरुद्वारियां दी जिहड़ी हालत है ना, उहदा कारण सिर्फ यह है, जदों असीं प्रधान सैकटरी चुणदे हां, जदों असीं ग्रंथी प्रचारक चुणदे हां, असीं उहदे गुण नहीं देखदे, बल्कि प्रधानगी दी इलैक्शन दे विच वी, प्रबंधकी ढांचे दे विच वी, असीं सिर्फ उहनूं चुणदे हां जिहदे वल वोटां ज्यादा हो जाणा। चाहीदा तां इह सी गुण देखे जाण। जदों प्रबंधक नूं चुणना होवे, घट्टो घट इह गुण होण उहदे विच कि वह घट्टो घट पिछले 5 सालों तो अमृतधारी हो, चंगी तरह सिखी को समझ सकता हो, नितनेम जबानी कंठ होने, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का पूरा पाठ विचार सहित पढ़िया हो, पिछले 5 सालों में उहदे ते कोई गंभीर इल्जाम ना हो, पिछले 5 सालों का करैक्टर दे विच वह उच्चे सुचे जीवन वाला हो, उहदे परिवार विच पतित कोई ना होवे, उहदे परिवार विच घट्टो घट जी साबत सूरत होण, ते उह मैंबर जां उह सैकटरी जां प्रधान जां खजांची सिख रहत मर्यादा नूं जबानी याद रखदा होवे, उह रोज सवेरे शाम पिछले 5 सालां तों बिना नागा हाजरी भरदा होवे, ते सब तों कीमती गल उह इह ना होवे प्रधान सैकटरी खजांची बन के घर बह जाए, उह सवेरे शाम अपना टाइम भी दे सकदा होवे। जिहदे विच आह गुण होण, इहदे तों इलावा गुण वैसे बहुत ने, निम्रता दे बोल बोलने, मिठी आवाज विच आए गए ना गल करनी, क्योंकि असीं गुरुद्वारे आने आ रब नूं मिलण वास्ते, जदों इत्थे आईए अगला सानूं मार्ग नूं पए बोलक बोल बोले, ते बंदा घर जा के ही सोचेगा ना, गया ते सी रब नूं मिलण वास्ते पर शैतान नूं मिल के आया। नहीं, उस प्रबंधकी ढांचे दे मैंबरां विच इन्नी मिठी जबान होवे, इन्नी सोहणी बोली होवे, ते जदों कोई आवे
ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹੋਈ। ਕੂੜ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਟੀ ਭਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਨਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਚੁਣ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵੰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਹੈ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨਵੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਦੇ ਤਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਤਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਉਠਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ ਮੂਨ ਕੱਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਮੋਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ। ਤੂੰ ਬੋਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਮੋਨੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 2500 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਭਾਵ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਥੱਲੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਾਟਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਧਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਦਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਏ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤਿਆ ਦੀ, ਭਾਵ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਲੋਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
जिन्हें भी साढ़े यूनिवर्सिटियां दे बड़े बड़े पढ़े लिखे पीएचडी आदक ने थीसिस लिखण वाले ने जां साढ़े वाइस चांसलर तक ने यूनिवर्सिटियां दे जदों सच लिखण दी वारी आंदी है उदों कलम राजनीतिक लोकां दे गुण गाण लिखण लग पैंदी है सच ते उह कलम फिर जांदे ने। पढ़े लिखे जरूर ने पर गुरबाणी ने कह दिता पढ़िया मूर्ख आखिया जिस लभ लोभ हंकार। जदों लोभ आ जांदा है ना मन विच धन दा उदों राजनीतिक बंदे की खुशामत लिख जांदे ने उदों सच नहीं लिखते। मूर्ख पंडित कहन लगे मूर्ख ने क्योंकि उन्हां कोल ज्ञान है चलाकी है हिकमत हिकमत मैंने चलाकियां करते ने हुज्जत हुज्जत मैंने अपनी फूकियां दलीलां भी दिंदे ने हुज्जतां भी करते ने। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार क्योंकि उन्हां दा प्यार सिर्फ धन नाल समर्पित हो गया। धर्मी धर्म करै गवावै मंगै मोख दुआ कल के धर्मी जेड़े उन्होंने धर्म कमाया गवा वह भी बैठे। हर एक दापो अपना कोई निशाना होंगे पंडित का निशाना सच उन्हें नहीं बोलिया उनका निशाना सी माया। धर्मी ने धर्म कमाया कह लगे वह निशाना बन गया मुक्ति आखिर वह भी धर्म गवा बैठा। जिहो जे निशाने किसी ने रखे धर्म तो दूर होंदे चले गए कूर दे विच फसदे चले गए। सच की खातर आवाज किसी उठाई ना ते सच काल कूड़ वरत्या सच का काल पै गया। भगत कबीर वर्गिया ने सच मूह ते किया और साफ कह दिता गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे पैन तग गली जिना जप वालियां लोटे हाथ निबग ओए हर के संत ना की है बनारस के ठग। जे भगत कबीर आखदे ने ना संतां को मत कोई निंदो वह यह भी गल आखते ने ऐसे संत ना मोको भावें क्यों क्योंकि सच सच है। याद रखियो निंदिया सच ते खुशामद विच बड़ा फर्क है। दो ते दो पंज कहना वधा के गल करनी किसे बारे यह है खुशामद। उहदे विचों गुण होवे ना एवें बोली चले जाना भी बड़े गुण का मालक है। दो ते दो नूं वधा के चढ़ा के पंज कहना यह खुशामद है। दो ते दो नूं तीन कहना घटा के अगले च गुण होवे गुण जाहिर ही ना होण देना बल्कि घटा के उहदी गल करनी यह है निंदिया। दो ते दो चार के दो ते दो पंज कहना खुशामद है। दो ते दो घटा के तीन कहना यह निंदिया है। हाँ दो ते दो चार कहना यह सच है ना खुशामद है ना निंदिया है यह बिल्कुल सच है। दो ते दो चार कहना सच है इस करके सिख निंदिया नहीं किसी की करता। दो ते दो किसी नूं घटा के तीन नहीं कहता ना वह किसी की खुशामद करी जाता है। दो ते दो वधा के पंज भी नहीं कहता। सिख जदों बोलता है सच बोलता है वह दो ते दो चार कहता है। बस इना को फर्क है सच विच निंदिया विच खुशामद विच बड़ा ही सूखम जिहा भेद है। पंडित ने निशाना रखिया धन उन्हें भी सच ना बोलिया। धर्मी ने धर्म कमाया वह तां गवा बैठा क्योंकि उहदा निशाना हो गया मुक्ति। धर्मी धर्म करें गवावें पुछे किवें गवा लिया उन्हां धर्म कहन लगे मंगे मोख दुआ रब नूं छड के उहदी मुक्ति दे पिछे तुर पए सानूं मुक्ति मिल जाए असीं मुक्त हो जाइए। कहन लगे मुक्ति दा दरवाजा उह भी भालदे फिरदे ने रब नाल स्नेह नहीं रब नाल प्यार नहीं। जती सदावें उह ते इस तरहें मानो जिवें कोई जती खवाई जावे घर बार छड के कवे मैं जती हो गया उहनूं जुगत दा पता ना होवे जती होई दा किवें है। कहन लगे जती उह भी जुगत भी होणा हो गया। धर्मी उन्हें भी धर्म गवा लिया जती सदा में जुगत ना जाने छड बह कर बार कहन लगे जती को ते जुगत भी नहीं जिंदगी जीवन दे उन्हों ते इंसाना वाली भी जुगत नहीं रही। ता ही सतगुरु नूं बाणी च कहना पै गया कहन लगे इंसान भी जिहड़ा ना जदों इशनान करदा है ना नहा धो के सोहने वस्त्र पाउंदा है इहनूं ते जिंदगी जीवन दी भी जुगत नहीं आई इंसाना वाली जुगत भी नहीं आई। इस जती जोगी ने इशनान किया इशनान करके अपने से सुभा मल लई कहिंदे इहो जी दी जुगत है। धर्म ग्रंथां नूं इहने जाणिया ही नहीं चार पुकारे ना तूं मन्ने खट भी एका बात बखाने दस अस्ती मिल एको कहिया तां भी जोगी भेद ना लहिया। जुगत नहीं इहदे कोल जोगी ज्ञान भी होने निस दिन अंग लगाए नछारा कहिंदे लगे इन्हां दी ज्ञान नहीं नहाण तो बाद सोहने कपड़े पाई दे ने इन्हां ने अपने उपर सुभा मलनी शुरू कर दित्ती पिंडे दे उपर मिट्टी मलन लग पे। ता ही गुरु नूं कहना पिया जोगी जुगत ना जाने अंग तीने उजाड़े कबन इहदे कोल जिंदगी जीउण दी जुगती भी नहीं रही।
जती हो गया घर बार छड़ दिता, जुगत नहीं आई जिंदगी जीवन की, जती सदा बह जुगत ना जाने छड़ बह घर बार छड़ के आ गया, जिन्हों बुजुर्ग माता पिता तो रब नहीं नजर आया, जिन छोटे रोंदे बच्चियां चो रब नहीं नजर आया, उन्हें पहाड़ां दे पत्थरां चो की रब देख लेना है, जिन्हों मासूमियत ते कोमलता दे विचों रब नजर नहीं आया, उन्हें पहाड़ां दे पत्थरां दी कठोरता विचों, उन्हें जंगलां दीयां कंडियालियां झाड़ियां चो की रब देख लेना है, घर पर छड़ के जुगती भी गवा बैठा, सब तो पूरा आपे होवे ते बदकिस्मती की कहिंदे जिन्ने भी कर्म कांड करन वाले सन सब तो वड्डा नुकसान यह होया, उन्हें यह गल कह दी भी जो असी कह रहे हैं वह आखिरी सच है, वो इस गल नू सच भी मन बैठे रहे, सब तो पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे, अपने आप नू कोई घट भी नहीं गिणदा, फिर आखदे ने जो मैं कह रहा यह आखिरी सच है, घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया, हर किसी ने कहा मैं प्राप्त कर लिया, सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे, पर पता उदो लगने जदों मालक दे दर ते फिर दी जिंदगी नू तोलिया जाएगा, पत परवाणा पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापै, फिर तोलन ते पता लगेगा, जिस दिन मालक दे दरबार उदी हजूरी इहदे जीवन दे दूजे पल्ले दे विच पत दा मालक दे दर दी इज्जत दा वट्टा पिया, फिर पता लगेगा मनुख कित्थे कु खड़ा, कच्च पकाई उत्थे पाए नानक गया जापै जाए, ताई सतगुरु पातशाह नू कहना पिया, कहने लगे मैं बहुत देखे धरती ते जंगम देखे जैनी देखे श्रावक देखे सिद्ध देखे अनेक मतां दे संत देखे, मैं घर घर जाके इन्हां लोकां नू देखिया, एक गल समझ आई मैं इन्हां लोकां नू देखिया पर इन्हां ने रब नू नहीं देखिया, सतगुरु पातशाह दे वचन, कहने लगे मैं इन्हां दे घरां विच देखिया पर इन्हां चों किसी ने भी रब नू नहीं देखिया, मैं इन्हां दे जीवन नू फिर तोलिया, तोल के पता लग्या ते रत्ती नालों भी हल्के जीवन देने, इन्ना जीवन का पद्धर हल्का इन्हों का, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर कर योग जती के सूर सुरार्पण शुद्ध सुधा दिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो, मत कहो ना दीक्षित प्राणपति के मैं सारे देश नु देखे है, इन्ना चो रब नु किसी ने नहीं देखिया, सारे ही देश को देख रहे हो, मत कहो ना दीक्षित प्राणपति के श्री भगवान की भय कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के, रब नाल इन्ना दा प्यार नहीं, रब विच रते हुए है नहीं, इन्ना दे जीवन दा पद्धर एक रत्ती तो भी हल्का है, रत्ती भी इन्ना दे जीवन तो भारी है, चावल का दाना भी इन्हां दे जीवन तो भारी है, इत्थे चावल दे दाने नाल भी हल्के पद्धर दे जीवन वाले आ गए, दो तरह का जीवन, एक हल्के पद्धर दा एक भारे पद्धर दा, जिहड़े घर बार छड़ के जंगल पहाड़ चले गए हल्के पद्धर वाले, पढ़ लिख के डॉक्टर बन के किसी गरीब का इलाज कर सकते सन, टीचर बन के किसी नूं ज्ञान दे सकते सी, इंजीनियर बन के किसी गरीब का घर बना सकते सी, पर आप समाज से भार हो गए, दो प्रसादियां की खातर खुद समाज से भार बने बैठे ने, जिहड़े अपने लिए दो प्रसादे ना कमा सकन समाज नूं की देणगे, हल्के पद्धर की जिंदगी, भारे पद्धर की जिंदगी वह है जिदे विच मनुख का निशाना सिर्फ दौलत है, सारी जिंदगी धन कमा कमा के मर गया, धर्म वाले पासे वह भी नहीं तुरिया, तैं पावस सिंध धूप नहीं छइया, तैं उत्पत परलो नाहीं, जीवन मृत न दुख सुख व्यापै, सुन समार दो ते नाहीं, सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी, सिख की जिंदगी सहज वाली है, ना हल्के पद्धर की है ना भारे पद्धर की है, उसकी जिंदगी यह नहीं कि ज्यादा धन पिछे दौड़ पे है, ना उसकी जिंदगी धन तो बिना रोई जाए, उसकी जिंदगी विचकारली है, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सुफरै प्रमंता, दूह व्यवस्था से जो मुक्ता सोई सुहेला पाई है, सतगुरु पातशाह के वचन, कह लगे जो जीवन देखा इन्ने हल्के पद्धर का, पता उदो लगना जो पत परवाणा पिछे पाई है, परवाणा मैंने वट्टा इज्जत का वट्टा जो मालक के दर से रखिया जाने ना, ता नानक तोलिया जापै, फिर तोलन से पता लगेगा, ते उस मालक के दर से वधी सो वजग नानका। अगला श्लोक कह लगे जो रब ने मिथ दिता ओह कुछ ही होने, सच्चा दिख है सोए, सच्चा आप जीवन की संभाल कर दे, सबनी छाला मारियां करता करे सो होए, सारी छाला मारते ने इथे ते औरंगजेब हरनाक्ष वर्गी भी आए, मना तू लख कही चल मैं प्राइम मिनिस्टर रहा वा, नहीं तेरे कर्मा का नबेड़ा होना, तेरी ओदे पदवी नू किसे नहीं देखना, सबनी छाला मारियां करता करे सो होए,
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਣ ਦਰ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੜ ਗਏ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਧੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਮਝ ਪਈ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਾਲ ਪੁਰ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਥ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੇ ਛੱਤ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।